साथियों, मैं अतुल शर्मा, सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस। साथियों, तैयारी तो आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, पैकिंग की। बैकपैक बहुत से लोगों ने कर भी लिए होंगे, आपने खैर कर भी लेने चाहिए अब तो, क्योंकि जाना कन्फर्म ही है लगभग जनवरी के लास्ट तक। ऐसे मतलब खबर भी आ रही है कि 18-20 जनवरी से आमद शुरू हो रही है, तो देखते हैं कब तक होती है शुरू। इस हफ्ते में शायद कुछ ना कुछ आ जाए, लिस्ट आ जाए ट्रेनिंग सेंटर्स की, या फिर देखते हैं जो भी आएगा। अगर लेटर आ जाए तो, लेटर तो खैर अभी मुश्किल ही आएगा, लेकिन क्या पता लिस्ट आ जाए ट्रेनिंग सेंटर्स की, तो जो भी रहेगा अच्छा रहेगा। साथियों, एक सवाल बहुत से लोगों के मन में पहले, शायद कुछ टाइम पहले वायरल हो रहा था ये, कि इंटरव्यू भी होता है क्या। तो इसमें जो इसमें जो मुरादाबाद में ये प्रशिक्षण जो भी ये सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, उसकी PDF है ये। उसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण के नाम से 2500 पॉइंट है, इसे पढ़ते हैं। इसमें क्लियर कर दिया गया बिल्कुल वो। तो इसमें इन्होंने बोला है कि संस्था में आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षुओं को जनपदों में 12 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वही है कि ये ट्रेनिंग सेंटर्स में हम ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जो एक साल का 12 माह का जो व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है, मतलब प्रोबेशन पीरियड जो होता है ट्रेनिंग वाला, जो थाने पर होता है, वो हमें करना होगा ट्रेनिंग सेंटर से जाने के बाद। सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक प्रशिक्षण पंजिका बनाएंगे, जिसमें दिनांक सहित प्रतिदिन के प्रशिक्षण का विवरण अंकित करेंगे। वही है कि डेली डायरी बनेगी हमारी प्रोबेशन पीरियड में, और जो भी है मतलब उसका फॉर्मेट जो है इसमें दे दिया गया है। यहाँ पे PDF 3 दिया होगा कोई, इसी PDF में उसमें दे दिया गया है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक इन प्रशिक्षकों का मूल्यांकन साक्षात्कार के माध्यम से माह में एक बार करेंगे, और इसकी टिप्पणी उनकी व्यवहारिक प्रशिक्षण पंजिका में करेंगे। वही है कि उस टाइम पे मंथली भी एक असेसमेंट होगा हमारा, जो कि जनपद बेस पे जो पुलिस अधीक्षक हैं वो करेंगे हमारा। और उसके बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत जो रेंज लेवल पे, ये परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक लिखा हुआ है, तो ये रेंज लेवल पे हमारा एक साल बाद लिया जाएगा। जो प्रशिक्षु व्यवहारिक रूप से उपनिरीक्षक के पद का दायित्व संभालने हेतु उपयुक्त पाए जाएं, उन्हें एक उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसकी प्रति जो भी है उसमें चित्र पंजिका में चस्पा दी जाएगी, और जो अनुपयुक्त होंगे, मतलब जो उस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, उस टेस्ट में फेल होने वालों को 3 माह बाद पुनः उनकी उपयुक्तता देखी जाएगी। तो फेल होने वालों को 3 माह बाद पुनः असेसमेंट होगा, और उन्हें उपयुक्त पाए जाने पर पुनः नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो ये सब इसमें लिखा है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पे हम जाएंगे तो वहाँ हमें इंटरव्यू देना होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रिपरेशन पीरियड का ही है जो है। तो उम्मीद है ये भी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। साथ ही में अगर कुछ किसी में ऐसी गलतफहमी है तो भाई दूर हो जाएगी, इसमें लिखा हुआ है क्लियर मैनुअल में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना। थोड़ा अभी शुरू कराया हमने, तो अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसको भूलना, और कोई सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।